नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना करने का विधान है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ था, इसलिए ऐसी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। इनका रूप सौम्य और शांत है। सफेद वस्त्र धारण की हुई इन देवी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। माता के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। उनके माथे पर अर्ध चंद्रमा शोभ्यमान है। माता शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान मानी जाती हैं। इसलिए उन्हें वृक्षोरूणा भी कहा जाता है। माना जाता है कि देवी शैलपुत्री की आराधना करने से तामसिक तत्वों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं नवरात्र के प्रथम दिवस की पूजा विधि। नवरात्र के पहले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात कलश स्थापना करें और माँ शैलपुत्री का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माता को रोली चावल लगाएं और सफेद फूल चढ़ाएं। फिर माँ को सफेद वस्त्र अर्पित करें। माँ के सामने धूप दीप जलाएं और माँ की आरती उतारें। शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। जयकारों के साथ पूजा संपन्न करें और माँ को भोग लगाएं। इसके बाद सायंकाल के समय पुनः माँ की आरती करें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।